ये एक्चुअली मेरी बंदी का डिवाइस है नहीं, लेकिन भाई वीडियो के लिए करना पड़ता है। वेल इस डिवाइस के अंदर वो जो कुछ भी टाइप करेगी या फिर जो कुछ भी सर्च करेगी, मैं अपने डिवाइस के अंदर इंस्टेंट चेक कर सकता हूँ एंड इवन उसे पता भी नहीं चलेगा। इसे एक्चुअली की लॉगिंग कहते हैं, जहां पर आप लोग सामने वाले डिवाइस के अंदर थोड़ी बहुत मटरगश्ती करने के बाद उस डिवाइस का पूरा काला चिट्ठा आपके चरण स्पर्श तक आके पहुंच जाएगा और बोलेगा मेरे को प्रदान कर लो। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आज के इस एपिसोड के अंदर कवर करने वाले, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अक्षय एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर जार्विस। वेल आधे घंटे पहले गैंग जिंदाबाद, जितने भी लोग आधे घंटे पे कमेंट करेंगे सबको ऐसे मस्त में पर्सनली हार्ट निकल के दे दूंगा, तो उसे मस्त में भाई बंदी की पॉकेट में डालू या फिर पर्स में, लोकेशन ट्रैक होता रहेगा। आप ही का चैनल है, बहुत सारे लोग आजकल मेरे को कमेंट कर रहे भाई आईडी पासवर्ड दे दे, बहुत तेज हो रहा है। जितने चाहिए उतने लाइक जो बरसा सकते, एम करते 10,000 लाइक का एंड इस टॉपिक की शुरुआत करते। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिनके पास भाई दिल से इच्छा तो बहुत हो रही है कि भाई मेरे को भी आईफोन चाहिए, आईफोन 14 के अंदर मैं डायनेमिक आइलैंड में अपनी बंदी का थोपड़ा घुसाड़ डालूंगा, उसके अंदर भाई मस्त में भाई म्यूजिक्स वगैरह प्ले करूंगा, लेकिन जेब के अंदर हाथ डालते तो भाई चवन्ने भी नहीं दिखती हम लोग को। यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग एक सिंगल क्लिक के अंदर अपने एंड्रॉइड डिवाइस को कंप्लीटली फुल्ली फंक्शनल iOS 16 के अंदर जो वो कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पे आप लोगों के सारे लॉक स्क्रीन उसे इवन आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो, वॉलपेपर ऐड करना एज इट इज जैसा आईफोन के अंदर होता है एज इट इज फीचर आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा, कंट्रोल पैनल जैसा आईफोन 14 या फिर iOS 16 का है वैसे एज इट इज मिल जाएगा, एंड नोटिफिकेशन पैनल जहां पे एज इट इज आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो भी आईफोन की तरह ही देखने के लिए मिल जाएगी। ये सारी की सारी चीजें आप लोग एक सिंगल आपके उंगली के क्लिक के ऊपर कर सकते हो। इसके लिए एप्लीकेशन का नाम आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर बस आप लोगों को जितने भी परमिशन से सारे के सारे एक्सेस दे देना एंड उसके बाद आप लोगों को बस एज अ डिफॉल्ट लॉन्चर जो वो सेट कर देना, उसके बाद आपका सस्ता आईफोन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे रहते भाई जिनको भाई बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितने भी जमा पूंजी रहेगी, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मांग भी रहो ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके फोटोज रहेंगे जितने भी वीडियोस वगैरह रहेंगे वो सारे के सारे भाई स्टोर करने के लिए जगह की जरूरत तो पड़ती है ना, और उसमें भी आपके बहुत सारे भाई फाइल्स डॉक्यूमेंट रहते हैं, काम की चीजें रहती है, फलाना रहता है, ढिमकाना रहता है, जिंदगी भर की जमा पूंजी रखे तो रखे कहाँ, उसके लिए भाई 5-10 हजार आप लोग काहे जरूरत काहे को रे बाबा। वेल यहाँ पर एक ऐसी चीज बताने वाले जहां पर आप लोग अपने डिफॉल्ट फाइल मैनेजर को, चाहे वो आपका विंडोज हो या फिर मैकबुक हो, उसे कंप्लीट एक अनलिमिटेड स्टोरेज के अंदर जो वो इजीली क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आप लोग मस्त में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गेड़िया मार के चला देना। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल ड्राइव डेस्कटॉप वर्जन, जो आप लोगों को विंडोज मैकबुक दोनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा, सिंपली इंस्टॉल करना, वहां पर आप लोगों को सेम जो कोई भी आपका ईमेल आईडी रहेगा उस ईमेल आईडी से वहां पर लॉग इन कर देना, उसके बाद आप लोगों को जाना है गूगल क्रोम के अंदर एंड वहां से इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाके ये वाला यूआरएल जो है वो वहां पर मस्त में ऐड कर देना, उसके बाद जो ईमेल आईडी से आप लोगों ने गूगल ड्राइव पे लॉग इन किया था ना वो ईमेल वहां पर ऐड कर देना एंड नीचे आप लोगों को कोई भी रैंडम नाम मिल जाएगा फोल्डर का वो डाल देना, जैसे कि जादू सोना टोना जो भी है भाई मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, एंड सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद जैसे ही आप लोग आपका फाइल मैनेजर ओपन करोगे वहां पर आप लोग को एक एक्स्ट्रा ड्राइव जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे आपके सी डी ई फलाना ढिमकाना ड्राइव रहते ना वैसे आप लोग को वो एक ड्राइव मिल जाएगा, सिंपली क्लिक कर देना एंड वहां पे आप लोगों ने जो नाम फोल्डर का ऐड किया था ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। उस फोल्डर के अंदर भाई जिंदगी की जमा पूंजी डालो, आप लोग ऐसे मस्त में भाई ऊपर चले जाओगे फिर भी वो चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। उसके अंदर आप लोग आपके फोटोज वीडियोस डॉक्यूमेंट्स फाइल जो कुछ भी आप लोगों की जिंदगी की जमा पूंजी है सारी की सारी भर डाल दो। तो देखो भाई हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनका भाई बचपन से प्यार शुरू हो जाता है, 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड रहते हैं, अभी भाई कितने लोगों को भाई टाइम दे, तो ऐसे मस्त में यहाँ पर अपना बंदा 1-1 घंटा बंदी से बात करता है। वैसे बात क्या करते हो यार मेरे को नीचे कमेंट में बताना, मैं बहुत ट्राई करता हूँ भाई बात करने का। गर्लफ्रेंड है तेरे पास? वेल ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है जहां पर आप लोग अपना 1-1 घंटा आशिकी लड़ाते बैठे हो, बैकग्राउंड में भाई मम्मी फोन कर रही है लेकिन फोन यहाँ पर बिजी लग रहा है, घर वाले मस्त में भाई वहां पर झाड़ू जूता चप्पल जो कुछ भी मिल रहा है उससे आपका स्वागत करने के लिए रेडी रहते हैं। इसके जरिए आप लोग वहां पर अपने मैम का नंबर ऐड कर सकते हो, टीचर का नंबर ऐड कर सकते हो, घर पे बोल सकते हो हाँ मैं टीचर से असाइनमेंट की बात कर रहा था, मम्मी मन ही मन सोचेगी लड़कियां कम पढ़ रही थी जो अभी टीचर पे भी लाइन मारने लगे अपना लड़का, आंटी ज्यादा कुछ नहीं जल्दी से शादी करवा दो नहीं तो बिगड़ जाएगा लड़का। कॉल लॉग एडिटर करके एप्लीकेशन है जहां पे सिंपली आप लोग को एंटर करना है एंड वहां पर आपका जो कॉल लॉग मैनेजर है क्लिक करके वहां पर जितनी भी आपकी कॉल लिस्ट है सारी की सारी देखने के लिए मिल जाएगी, जहां पर बस आप लोगों को उनके नंबर या फिर नाम डेट टाइम एवरीथिंग आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, इवन नीचे आप लोग नए कॉल रिकॉर्ड जो है वो भी ऐड कर सकते हो एज इट इज, जितना 1 घंटा आप लोगों ने जो टाइम पे बात किया वहां पर बंदी का आटा के टीचर का डाल दो, घर वाले भी खुश हो जाएंगे मस्त में भाई बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा है। मस्त प्लान है।
ये दुनिया है ना बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंड से भरी पड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अपने दिमाग को काम पे लगा के उसके थ्रू अर्निंग जो है वो कर लेते हैं। जैसे कि मेरा एग्जांपल देख लो, इतने भी आइडियाज वगैरह है मैं अपने दिमाग से थोड़ा बहुत सोच के आपके सामने जो वो प्रेजेंट करता हूँ, एंड उस भी आपसे मुझे यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से कुछ अमाउंट जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा क्रिएटिव माइंड है तो भी आप लोग यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग जो है वो कर सकते हो। जैसे कि मैं यूट्यूब पे हूँ, आप लोग किसी और फील्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे, तो उस क्रिएटिव माइंड को अगर आप लोगों को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है एंड आप लोग चाहते हो कि उसके बिहाफ में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी अर्निंग हो, तो एक एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बेस्ट है जिसका नाम है रिगी। अभी रिगी बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप लोग आपके कॉन्टेंट को कंप्लीटली मोनिटाइज कर सकते हो, उसके थ्रू आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जमा कर सकते हो। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म ट्राई करते हैं, जहां पर कोई टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करवाता है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करवाता है, जिसके थ्रू आप लोग का जो कॉन्टेंट है वो फ्री में कहीं और पे भी अवेलेबल हो जाता है। रिगी के अंदर आप लोग को बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शन जो वो देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोग आपका व्हाट्सएप का या फिर टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हो, एंड जो कोई भी आपका कॉन्टेंट है उसे कंप्लीटली वहां पर आप लोग लॉक कर सकते हो, मतलब वो कॉन्टेंट सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पे रहेगा, इसके अलावा वो कहीं पर भी शेयर नहीं कर सकता। इवन अगर आप लोगों को वेबिनार करना है तो वेबिनार या फिर वर्कशॉप जैसे ऑप्शन भी आप लोग को रिगी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पर आप लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप की क्लासेस जो है वो भी वन टू वन इंटरेक्शन जो वो कर सकते हो। इन केस आपके पास भाई टाइम नहीं है मंथली सब्सक्रिप्शन लेने का या फिर मंथली किसी से चार्जेस लेने का, तो आपके बिहाफ में रिगी जो है वो आपका काम जो है वो कर देता है, जहां पे अगर किसी ने अमाउंट जो है वो पे किया है तो वो ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में जो है वो ज्वाइन हो जाएगा, एंड जब उसका सब्सक्रिप्शन प्लान खत्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक वहां से लेफ्ट जो है वो कर देते हैं। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो रिगी एक क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट एप्लीकेशन है अगर आप लोग आपके कॉन्टेंट को मोनिटाइज करना चाहते हो। इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग इसे इजीली चेकआउट कर सकते हो एंड अपना कंटेंट जो है या फिर क्रिएटिव माइंड जो है वो दुनिया के सामने इजीली प्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जहां पर है ना अपनी गैर मौजूदगी में या फिर आपके डर के मारे, आपके जितने भी भाई लव्ड पर्सन रहेंगे या फिर जितने भी आपके चाहने वाले पर्सन रहेंगे कि ये फोटोज अगर इसने देख लिया तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी भाई, इसलिए बहुत सारे अपने सामने वाले पर्सन से ना कुछ ऐसी फोटोज वगैरह रहते, कुछ ऐसे वीडियोज वगैरह रहते जो आपके ना चाहते हुए भी उन फोटोज को डिलीट कर देते ताकि ये बंदा ना दिखे एंड प्यार का दुश्मनी में कोई भी एंगल क्रिएट ना हो, इसलिए वो फोटोज वगैरह डिलीट कर देते। बट आप लोगों को उन फोटोज को देखना है तो भाई कैसे देखा, इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, बट या तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे जहां पर चांदी के कटोरों में आप लोगों को चवन्नी बांट के निकल जाते हैं। यहां पर दो ऐसे एप्लीकेशन है, एक है डंपस्टर एंड दूसरा है डिसडिगर, जहां पे आप लोग जितने भी आपके डिलीटेड फोटोज वगैरह रहेंगे सारे के सारे आप लोग रिकवर कर सकते हो। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई बचपन का प्यार अभी भी बचपन ही कर रहा है या फिर बस में भाई शातिर चीज हो चुकी है, के बाद भाई ब्रेकअप मत करना बंदीप, ससुरे भी बाहर हो जाएगी, बुरा मान जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई एप्लीकेशन पता रहेगी तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, आपका भी भला होगा, हमारे भी भला होगा और दुनिया सलाम ठोकेगी तुमको। पहले के जमाने में क्या होता था ना कि अगर आप लोग को किसी भी व्हीकल का इन्फॉर्मेशन निकालना है तो व्हीकल ओनर के डॉक्यूमेंट्स या फिर उसका नंबर लगता था, तो ओटीपी जनरेट होता था एंड उसके बाद उस व्हीकल की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिल जाती। बचपन से लेके आज तक भाई मेरे दिमाग में ना बहुत सारी चुल मची रहती है। रिसेंटली हम लोगों ने भी ऐसे चुल मचाई थी जहां पर मैंने सोचा भाई किसी सेलिब्रिटी का व्हीकल नंबर ले लेते, पता करते भाई कहाँ कहाँ घूमता है, चलान कितने हैं, बंदियां कितनी है, सारी एवरीथिंग। तो यहाँ पर मुझे एक एप्लीकेशन मिला जहां पर सिंपली आप लोग उस व्हीकल का नंबर डालने के बाद उस व्हीकल की सारी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है, जैसे कि उसका नाम एंड उस गाड़ी के ऊपर आज तक कितने सारे चलान हो चुके हैं, कितने सारे चलान पेंडिंग है। इवन ये सारी चीजें आप लोग अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने दोस्त का नंबर डाल दो, चलान मिल जाएगा, उसके बाद पता चल जाएगा कहां पर गेड़िया मार रहा है, मस्त में भाई किस बंदी के साथ कितनी बंदियों के साथ घूम रहा है। एप्लीकेशन का नाम है इको, जहां पर आप लोगों को सिंपली व्हीकल चलान के ऊपर क्लिक करना है एंड वहां पर आप लोगों को बस उस व्हीकल का नंबर डालना है। सीक्रेट में आप लोगों को उसका नाम जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग एजम्पशंस लगाना कि इसका नाम क्या रहेगा ये वो, फिर उस व्हीकल की डिटेल मिल जाते हैं एंड जितने सारे चलान मौजूद है उन सारे चलान के फोटोज जो है वो आप लोगों को वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूं, कोई भी इसे मिसयूज नहीं करेगा, प्रैंक करना है दोस्तों के साथ कर लो, लेकिन किसी का भी डिटेल कहीं पर भी मिसयूज मत करना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में जैसे कि हम लोगों ने बोला था ये एक्चुअली मेरे बंदी का डिवाइस है नहीं, लेकिन भाई वीडियो के लिए करना पड़ता है एंड इस डिवाइस के अंदर वो जो कुछ भी टाइप करेगी या फिर जो कुछ भी सर्च करेगी ना मैं इंस्टेंट अपने डिवाइस के अंदर ना चेक कर सकता हूँ एंड इवन उसे पता भी नहीं चलेगा। इसे ई लॉगिंग कहते हैं, तो इलीगल, लेकिन अगर कोई पेरेंट है वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, बाकी लोगों को इशारा काफी है भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। प्यारी समझ गई।
एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्नूपजा। वहां पर आपका जो कोई भी ईमेल आईडी या फिर रैंडम कोई भी ईमेल आईडी पासवर्ड ऐड करके वहां पर लॉगिन कर दो। उसके बाद है ना वहां पर आप लोगों को एक यूआरएल मिलेगा, सिंपली वो टारगेटेड डिवाइस के अंदर जो है वो ऐड करना है एंड वहां पर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अभी यहां पर ध्यान से सुनना, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप लोगों ने जो ईमेल आईडी वहां पर ऐड किया था उसी ईमेल आईडी से वहां पर लॉगिन कर देना एंड दैट्स इट। फिनिश के बटन के ऊपर कंप्लीट करके खत्म कर देना। उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली उस डिवाइस से गायब हो जाएगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था एंड उस डिवाइस का पूरा काला चिट्ठा जो है वो आपके चरण स्पर्श तक आके पहुंच जाएगा कि भाई बंदी या फिर जो आपका बच्चा है भाई उसकी टाइपिंग हिस्ट्री क्या है, किसके साथ टाइप कर रहा है, क्या टाइप कर रहा है, एवरीथिंग, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, फोन कॉल्स रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैक नेट डिवाइस के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। पूरा का पूरा डिवाइस जो है वो अपने अंदर जो है वो समा सकते हो जहाँ पे मस्त में आप ऐसे हाँ भाई हम ही है इस दुनिया के राज। अच्छा तो आज के इस एपिसोड के अंदर दिखाने के लिए बस इतना ही था दोस्तों। आप लोग को आज के एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा, अगर एपिसोड पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोग इस वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।